उज्जैन के माधव कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्रीय मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में अनियमितता के साथ परिसर में लगे झाड़ को काटकर बेचने के आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल पर भी कई आरोप लगाए हैं, हालांकि प्रिंसिपल ने आरोपों को निराधार बताया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन महानगर द्वारा महाविद्यालय में आ रही विभिन्न समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें हम लोगों ने वहां पर लंबे समय से जो परेशानी छात्रों को आ रही थी उसको लेकर हमने आज आंदोलन भी किया और ज्ञापन भी दिया। उसके माध्यम से हमने 7 दिनों के अंदर वो मांग पूरी कराने की बात भी कही है। छात्रों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है बीपीए के विद्यार्थियों के द्वारा, उसमें 5 शिकायतों में से ज़्यादातर जो शिकायतें हैं वो निराधार हैं। उसमें एक शिकायत है कि यहाँ वृक्ष काटे गए हैं और उसमें भ्रष्टाचार किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने यहाँ पर माधव महाविद्यालय में खेल का मैदान बनाने के लिए यहाँ समतलीकरण किया है और वहाँ जो जंगली किस्म के वृक्ष थे उनकी विधिवत अनुमति नगर निगम आयुक्त महोदय से ली है और उसके मुताबिक यहाँ पेड़ काटे हैं और उसके बदले में हम नवीन पेड़ भी जो है वो लगाए हैं अपना। इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो नहीं की गई है।